मुझे लगता है कि हमें इन औरतों के लिए एक रैली निकालनी चाहिए। हम उन औरतों को एक मंच देंगे ताकि वो आपस की एकता देख सके और सबको दिखा सके। उन्हें महसूस होगा कि वो अकेली नहीं, और जब भी वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनकी आवाज कभी दबाई नहीं जाएगी। ये रैली आखिरी मौका है उन सब में बदलाव लाने का, अपनी जिंदगी सुरक्षित और बेहतर करने का। प्लीज आप मुझे ये रैली निकालने की इजाजत दे दीजिए। माफ कीजिएगा कविता जी, लेकिन रैली की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। इसके बारे में मुझे एसपी साहब से बात करनी होगी। जरूर संध्या जी, मैं कानून के खिलाफ जाकर माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती। ये रैली तभी निकलेगी जब एसपी साहब इसकी इजाजत देंगे। जी, मैं बात करके आती हूँ। आप जब तक हल्दी वाला दूध पियो। लो लो कविता जी, दूध पी लो। हेलो सर, एएसपी संध्या राठी बोल रही हूँ। हाँ संध्या, बोलिए। एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए फोन करना पड़ा। सर बात कुछ ऐसी है, वो कविता जी है ना, सर जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मनाक है। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो या फिर समाज जिस तरह से औरतों पर अत्याचार कर रहा है, उसे किसी भी हाल में हमें रोकना होगा सर। इसके लिए हमें सबसे पहले औरतों में जागरूकता पैदा करनी होगी, और मेरे ख्याल से ये रैली कम से कम इस शहर में तो औरतों की सोच को बदल सकती है सर। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। देखो संध्या, इस तरह की रैली से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी परमिशन तुमको मिल जाएगी, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, इस रैली से कोई पॉलिटिकल इशू ना हो जाए। बहुत पीसफुली ये रैली निकले, क्योंकि मुझे शहर में चैन और अमन चाहिए। इज दैट ओके? आप निश्चिंत रहिए सर, ये रैली पूरी तरह मेरी निगरानी में रहेगी। परमिशन के लिए थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। एसपी साहब ने रैली की परमिशन दे दी है। मैं ना कह रही थी कविता जी, अब आप रैली की तैयारी कर सकती हैं। और आप निश्चिंत हो जाइए, सोमेश्वर अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सबसे पहले आप हॉस्पिटल होके आइए, मैं पता लगाती हूँ कि सोमेश्वर इस वक्त है कहाँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और आप वो सीसीटीवी की फुटेज मुझे जरूर पहुँचा दीजिएगा, मैं बस ऑफिस निकल ही रही हूँ। सूरज जी, आप कविता जी को हॉस्पिटल ले जाइए ना। नहीं नहीं संध्या जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल मैं खुद चली जाऊंगी। से भी इनकी जरूरत आपको यहाँ पर है, और आपने मेरे लिए ऑलरेडी इतना सब कुछ कर दिया है, थैंक यू। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं कविता जी, सूरज जी आपको ले जाएंगे। अब वो मुझे पुलिस स्टेशन के लिए निकलना होगा। हाँ बेटी जा, तू थारी ड्यूटी पर जा। मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखिए। हे भगवान, सोमेश्वर नाम भगवान का, काम शैतान का। हेलो जी, ये देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर कोई गलती हुई है, आप फिर से चेक करिए। कोई गलती नहीं हुई, आपका चेक बाउंस हुआ है, जल्दी किश्त भरिए वरना हम गाड़ी ले जाएंगे। जी देखिए, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ दिलीप जी? क्या हुआ, किसका फोन था? हाँ दिलीप, किसका फोन है?
पापा वो बैंक वालों का फोन था। दरअसल कार की किश्त के लिए जो चेक दिया है वो बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया? पता नहीं कैसे हुआ, मेरे अकाउंट में तो बैलेंस था। अभी एक हफ्ते पहले ही सैलरी चेक डिपॉजिट किया है मैंने, और इस हफ्ते कोई बड़ा खर्चा भी नहीं हुआ है, तो फिर ये सब कैसे हो गया? अरे बैंक वालों से ही कोई गलती हुई होगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? मुझे भी यही लग रहा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ये एक के बाद एक खरीदारियां हुई हैं इसमें, इसमें तो पूरे हफ्ते शॉपिंग दिखा रहा है। अभी ये सब क्या है? एक के बाद एक शॉपिंग हुई है यहाँ पे। ये हरीश स्टोर के 2000, ऑनलाइन शॉपिंग 8000, और ये फैशन स्टोर का 5000 रुपये। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी जो इतनी शॉपिंग करनी पड़ी? जो हो गया सो हो गया, ये बात आराम से नहीं पूछ सकते हैं ना? ऐसे अपना मूड खराब मत करो। माँ मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये सब जानने का मेरा हक है। अगर इसने शॉपिंग की थी तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना, और अब जब पूछ रहा हूँ तो जवाब भी नहीं दे रही, चुप खड़ी है। छवि, अभी अभी शादी में हमने दुनिया भर की शॉपिंग की है और लोगों से भी हमें मिला है, फिर ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट आ गई जिसकी वजह से तुम्हें इतनी शॉपिंग करनी पड़ी? और अगर कर भी ली तो एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? छवि, तुम्हें पता भी है कि चेक बाउंस होने का मतलब क्या होता है? जेल भी हो सकती है मुझे। ऊपर से उस बैंक वाले ने 10 बातें मुझे सुनाई है, वो भी तुम्हारी वजह से, और ऊपर से तुम्हारी ये खामोशी। कुछ तो बोलो यार। What is this? एक तो इतनी बड़ी गलती की है इसने, और जब पूछ रहा हूं तो जवाब भी नहीं दे रही है, रोकर चली गई। अरे पति हूं, मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है क्या? बेटा शांत हो जाओ, अब तुम शादीशुदा हो। अगर छवि ने कोई गलती की है तो तुम उसे प्यार से समझा सकते हो। छवि को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ उससे बात करो, जरा प्यार से समझाओ। जा आराम से बात कर, समझा दे उसको। जी मैं देखता हूँ। सोमेश्वर पवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। वो पुष्कर के किसी भी कोने में छिपा हो उसे ढूंढ कर निकालो। चाहे पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए, लेकिन वो इस बार बचना नहीं चाहिए। जी मैडम जी। और हाँ, आप में से किसी को भी उसके साथ नई या पुरानी दोस्ती निभानी हो तो वो अभी के अभी अपना इस्तीफा मुझे दे दे। मुजरिम का साथ देने वालों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई जगह नहीं। बट मैडम जी, अगर इस मिशन के लिए आपके दिमाग में कुछ है तो हम लोग को बता दीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। जी मैडम जी। ठीक है, होटल्स, ढाबे, जुओ के अड्डे, जहां कहीं भी उसके मिलने की संभावना हो आप उसे ढूंढकर निकालिए। उसके नए या पुराने साथियों का अता पता निकालो, उन पर पुलिसी अंदाज में दबाव डालो, अपने सारे खफियों को काम पर लगा दो। जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे सोमेश्वर जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में चाहिए। जी मैम। भाइयों एवं बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, आज शाम को बालाजी मैदान में आप सबको असाधारण आमंत्रित किया जाता है। आज आप सबको अपने हक के लिए, अपनी बहू बेटी के हक के लिए, अपने लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज आपके प्रिय नेता कविता जी को आप सबके सहयोग की बहुत ही जरूरत है, ताकि वो एक नया शहर, नया समाज बना सके, जिसमें हर इंसान शराफत से दो वक्त की रोटी कमा सके, नई जिंदगी जी सके। शाम को 4 बजे बालाजी मैदान में आप सबको सादर आमंत्रित किया जाता है। पुलिस!
माफी मांगो। क्या हुआ मैडम? सोमेश्वर कहाँ है? मैडम जी इंस्पेक्टर कोहली का फोन आया था, उन्होंने सोमेश्वर को हर जगह ढूंढा मगर सोमेश्वर का कोई अता पता नहीं है और कोई सुराग भी नहीं मिल पाया। सोमेश्वर कहाँ है? मैडम हमें तो नहीं मालूम, मैं तो ये ढाबा वाला एक मामूली सा आदमी हूँ। बता सच सच बता सोमेश्वर कहाँ है? नहीं साहब जी हमें नहीं मालूम। शहर के सभी रास्तों पर नाकाबंदी तो हो चुकी है, इसका मतलब वो शहर से बाहर तो नहीं जा सकता। मैडम जी इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा होगा और उसे लगता है कि हम शायद उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये फोन किसका रह गया? जरा देखो लोहिया। मैडम जी आपके लिए मैसेज है। मेरे लिए? आपको जिसकी तलाश है अगर आप चाहो तो मैं आपको उस तक पहुंचा सकता हूं। ये कौन हो सकता है जो पर्दे के पीछे रहकर मेरी मदद करना चाहता है? हो सकता है सोमेश्वर का दुश्मन हो। इसे रखो, चलो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।